इस वक्त इनेलो पार्टी की प्रदेश में बड़ी चर्चा हो रही है और सबसे खास बात यह है जो जाट दलित गठबंधन की बात हो रही है, किसान कमेरे वर्ग की बात हो रही है। मेरे साथ प्रकाश भारती हैं और प्रकाश भारती ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है, क्योंकि बसपा के बड़े नेता हैं, काफी अच्छे वक्ता भी हैं। इनेलो पार्टी में कहा जा रहा है 80% से ज्यादा बसपा का संगठन है, इन्होंने मर्ज करवाया। प्रकाश भारती से पूछते हैं, प्रकाश भारती जी, बसपा में इतना बड़ा होदा था, इतने अच्छे वक्ता आप हैं, तो बसपा छोड़ के इनेलो पार्टी में और इतने सारे पदाधिकारियों को मर्ज करवाया, उसका क्या कारण मान के चले? उसका कारण ये है, 9 में भी मैं प्रेसिडेंट था हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का, 2009 में जब चुनाव उसमें हमारा गठबंधन कुलदीप स्मृति जी की पार्टी से हुआ था लचका से। एक महीना पहले हाईकमान ने उस गठबंधन को तोड़ दिया और आज हमारा हरियाणा प्रदेश में लोकदल से गठबंधन हुआ, उसको भी हाईकमान ने बेवजह तोड़ दिया। फिर दूसरा गठबंधन, फिर तीसरा गठबंधन, बार बार गठबंधन करना, कहीं तोड़ना, ये नीति हमें पसंद नहीं आई। पूरे हरियाणा की जनता ने मुझे कहा कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करो, गठबंधन नहीं टूटना चाहिए, गठबंधन के बिना सरकार नहीं बन सकती। और इस बात को हाईकमान ने नहीं, आखिर गठबंधन को तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से पूरा संगठन हमारे कोई ये कहने लगा कि भाई बहन जी से इस बारे में बात करें। हमने बार बार प्रयास किया लेकिन हमारी बात नहीं सुनी। तब तमाम प्रदेश के वक्तों से ये कहा कि आप सेंटर की बात को छोड़ो, प्रदेश की राजनीति करनी है, क्षेत्रीय पार्टी है। चौटाला साहब इंडियन नेशनल लोकदल से पार्टी प्रदेश में कोई अच्छी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में वोटों की लड़ाई है, बीजेपी जेजेपी सरकार फेल है, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में। क्या ये आप भी मानते हैं किसान कमेरे के गठबंधन की जो राजनीति चली है उसका तोड़ किसी भी पार्टी के पास नहीं है, चाहे उसे जाट दलित गठबंधन भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्या मानते हैं प्रकाश भारती? देखिए, नंबर एक तो हम जाति की राजनीति नहीं करते, क्योंकि हम तो किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी सभी वर्गों के साथ लेकर चलेंगे और सभी जाति धर्मों के लोगों के साथ लेकर के चलेंगे। हम प्रदेश में सभी वर्गों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल पार्टी का पहले लोगों ने राज देखा है, चौटाला साहब मुख्यमंत्री 5 बार थे, सब ने राज देखा है। और आज जो अभय चौटाला जी के बारे में एक बात प्रदेश में चल रही है, जुबान के धनी आदमी, तो ये बात आज घर घर में चर्चा बन रही है, इसलिए अभय सिंह चौटाला जी को लोग हरियाणा प्रदेश में सत्ता सौंपा। क्या बसपा के अन्य पदाधिकारी भी आपके संपर्क में हैं? क्या प्रकाश भारती लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आपने कई लोगों को शामिल कर लिया? 80% संगठन तो पहले ज्वाइन कर चुका है जी, तो 20% बचा आस्था से। जो भाजपा जेजेपी गठबंधन है, क्या आप इसके दिन लग चुके हैं, क्या करीब से क्या महसूस किया है? पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं गठबंधन, तो ये मैं कहूँगा कि आज लूट रहे हैं प्रदेश को, इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं। आज घर घर में चर्चा है कि दोनों ये गठबंधन की सरकार लूटने का। क्या कांग्रेस बड़ी चुनौती बनेगी अगले चुनाव? नहीं, कांग्रेस को चुनौती हम मानते नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में तो गुटों की लड़ाई है। बसपा के कार्यकर्ता जो रह गए, क्या मैसेज उनके लिए रहेगा? बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए मेरा मैसेज यही है कि जब बहुजन समाज पार्टी की हाईकमान सरकार ही नहीं बनाना चाहती, तो सत्ता से काम होते हैं ना, तो उनके लिए मेरा यही इसमें संदेश है, अपील भी है कि वो इंडियन नेशनल पार्टी में आए और यहाँ सरकार बनाए ताकि लोगों के। थैंक यू।